students of Kargil University, Ladakh University, Kargil campus rather. And I think my biggest introduction is that Norfil is my scholar and I'm his teacher, है ना? क्योंकि एक teacher जो है उसके लिए सबसे बड़ी पहचान उसके students और scholars होते हैं. Wherever they go, they carry their teachers. उनका एक part जो होता है ना, वो हमेशा मतलब उनकी teachers का part उनमें होता है. उनकी बच्चे जो होते हैं ना, वो अपने students, scholars, अपने teachers को reflect करते हैं. तो मेरे लिए I think सबसे बड़ी इंट्रोडक्शन यही है कि Norfil is there and he's trained from University of Jammu and he's a very dedicated, he's been a very dedicated scholar. So I'm sure he'll be able to give the best to you people. And thank you, Norfil, for arranging this. Made an introduction. And I think I'll go very slow in case हमारी मेरी voice बीच में crack हो रही है. Is it cracking? या ठीक है? If you could please would try the microphone from this side. Sorry, Naufal, say again. Can you use the microphone? Okay, I'll try that. Let me see. Yeah, thank you. Hello. Is it better? Please. Okay. So one or two things, Peter, मैं आप सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि मेरे यहाँ पर आगे पीछे बहुत कंस्ट्रक्शन चल रही है. तो प्लीज बेयर विद मी अगर बीच में आवाजें आए. और दूसरी चीज, यहाँ पर फ्रीक्वेंट इस टाइम पे फ्रीक्वेंट हाकत सो रहे हैं. But I hope I'll be able to carry forward without interruption क्योंकि laptop charged है, तो मुझे लगता है कि कोई problem नहीं होनी चाहिए. I think the recording mode is on, उससे तो problem नहीं हो रही है. अच्छा, I don't know that. Okay. Okay, ma'am. So, my dear students, main aapko, you know, I'll talk to you like I'll present my things, whatever little I have to share aap logon ke saath. Main usko ek bahut story ki tarah aapko bataungi. So that aapke liye interaction jo hai, kyunki ye first interaction hai. तो मैं बहुत सारे आइडियाज के साथ आपको बम्बार्टमेंट करना नहीं चाहूंगी कि आप बोर हो जाए और पहले ही डर जाए. तो मैं इसको बहुत सिंपल आपको आइडियाज प्रेजेंट करूंगी जो आपके अंदर यू नो इट विल काइंड ऑफ इंक्रीज योर एपिटाइट टू रीड सोशियोलॉजी, अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी एंड टेक इट लाइक अ स्टोरी, यू नो. Because what is sociology? Basically, sociology क्या है? It's the life that you are living today, okay? और हम उसी को capture करने की कोशिश करते हैं. आप MA करेंगे, उसके बाद आप researchers बनेंगे, आप MPhil करेंगे, आप PhD करेंगे. तो आपके आसपास जितने भी social situations हैं, आप उसको capture करने की कोशिश करेंगे. और वो social situations जो हैं, जैसे हम sociology में समझते हैं, वैसे ही एक कॉमन इंसान भी उसको समझता है, ओके? लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग जब हम सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं या जब हम उसको एक उस फील्ड में एंटर करते हैं, तो उसमें बहुत क्रिटिसिज्म होता है क्योंकि लोगों को लगता है कि ये सब सोशियोलॉजी में क्या एक्सपर्टीज है, ये चीजें तो हमें ऑलरेडी पता है, राइट? अब ऐसा हो सकता है. अब आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, वो क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ओके? आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आप कैसे, अब
हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि हमारे पास पॉवर्टी की बहुत बड़ी समस्या है ना। अब आप उसको समझेंगे कि हमारे राह चलते रोग इतने ज्यादा हैं और वो आपको रास्ते में बेगिंग करते हुए दिखाई देंगे। ओके, तो कई लोग इसको ये कह सकते हैं कि भाई ये तो बेगिंग कर रहे हैं, और क्योंकि ये मेहनत करने को तैयार नहीं है इसीलिए ये लोग स्ट्रीट्स पे बेगिंग कर रहे हैं। ओके, अब ये क्या हो सकता है, ये एक इंसान की, एक कॉमन लोगों की थिंकिंग हो सकती है, क्योंकि ये तो मेहनत करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, और इसलिए ये लोग जो हैं वो बेगिंग करके अपना गुजारा कर लेते हैं। फिर कोई और कह सकता है कि अच्छा, लड़कियों के साथ जो आजकल वायलेंस इतना हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अब वो आजकल मॉडर्न कपड़े पहनती हैं, ठीक है, और आजकल क्योंकि वो काम काज करना चाहती है और वो मॉडर्न कपड़े पहनना चाहती है, और उनके पास क्या कहते हैं वो अपनी जो उनकी एक दहलीज थी उसको वो लांग रहे हैं, तो इसलिए उनके साथ आजकल जितना भी वायलेंस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेप केसेस एक्सेट्रा, तो इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, ये कॉमन व्यू पॉइंट्स हैं, हर कोई हर एक केसेस थिंकिंग हो सकती है, लेकिन जब आप फील्ड में जाएंगे इसी चीज को साइंटिफिकली पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम जो है ये एक हमारे लिए सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है। पढ़े लिखे लोग हैं वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं लेकिन उनके लिए जॉब्स नहीं है, राइट। एक औरत जो है वो एक चार दीवारी के अंदर क्यों बंद रहे, हम ये क्यों कहते हैं, क्योंकि वो औरत है, वो बाहर निकली, एक लड़की अंधेरे में गई इसलिए उसके साथ गलत हुआ। जब आप उसको साइंटिफिकली पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक 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 बेगर की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक किसी एक लौती लड़की की प्रॉब्लम नहीं है, है ना, ये हमारी सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और आप उसको एक जनरल तरीके से नहीं कह रहे क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूं तो ऐसा है, आप उसको साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करते हैं, फील्ड में जाते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, उस डेटा को आप टेस्ट करते हैं, और फिर आप क्या करते हैं उसमें से कुछ निकालते हैं जिसको हम एक थ्योरी की फॉर्म लेती है वो चीज, ठीक है। अब तो आप क्या, अब ये जो पेपर है आपका वो क्या पेपर है, इट्स अ क्लासिकल थ्योरी, आप उसमें पढ़ रहे हैं। और थ्योरी क्या चीज है कि भाई इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में अगर ऐसी ए और बी है तो सी ऐसा होगा, ठीक है, तो वो आज की डेट में वो करेक्ट है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ और चीजें बदल जाएं। तो थ्योरी जो होती है, थ्योरी एक टाइम के लिए रेलेवेंट होती है, वो बहुत लंबी देर तक भी रेलेवेंट रह सकती है, लेकिन वो थ्योरी जो होती है वो किसी और चीज को भी नया जो है वो जन्म देती है, उसमें से कुछ और चीजें इवॉल्व होती है, जो चीज यू नो 50 साल पहले 30 साल पहले थी कि लड़कियों का औरत का काम है सिर्फ अपने एक बच्चे पैदा करना और घर को लुक आफ्टर करना, ठीक है, आज की डेट में हमें लगता है नहीं, लड़की का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो उसको है, आज की डेट में अगर हमारे को एक डॉटर को ब्रिंग अप करना है हम कहते हैं सबसे पहले उसको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए लेकिन ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम, मेरा कहने का मतलब है कि हमारा जो व्यू पॉइंट है वो भी वक्त के साथ बदलता है और पुरानी थ्योरीज जो है वो नई थ्योरीज को जन्म देती है, ठीक है। सो ये हमारा जो सारा प्रोसेस है उसको हम साइंटिफिकली, आज एक इन्वेस्टिगेशन हुई, आज नौफिल ने जम्मू यूनिवर्सिटी में कोई काम किया, कुछ क्वेश्चंस अधूरे छोड़े, कुछ क्वेश्चंस उसमें से नए निकले, तो जो दूसरे स्कॉलर्स आएंगे वो उस चीज को इन्वेस्टिगेट करेंगे, वहां से पिक करेंगे, नॉर्फिल की थ्योरी जो नॉर्फिल ने कुछ अपनी रिसर्च की उसमें ऐड करेंगे या उसको रिजेक्ट करेंगे या उसमें से कुछ नया निकालेंगे। सो दैट इज हाउ हमारा जो प्रोसेस है वो हमारा सोशियोलॉजी में चलता है। सो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि जो सोशियोलॉजी है उसको हम कहते हैं, लोग कहते हैं इट्स अ कॉमन सेंस नॉलेज, लेकिन आपको ये समझना है कि जो हमारी जो हम नॉलेज गैदर कर रहे हैं वो साइंटिफिकली गैदर्ड नॉलेज है, एक जनरल व्यू पॉइंट नहीं है। ओके, नाउ कमिंग टू आई मेंशन्ड कि आप लोग जो है वो क्लासिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं, राइट, जो आपका पेपर है जो आज मेरे को आपसे डिस्कस करना है रिलीजन के बारे में, डरखाइम के बारे में,
दर खायम क्या है, बेसिकली क्लासिकल थिंकर है. ओके, अब आपने ये नाम सुना होगा, अगर आपने अपना सिलेबस ध्यान से देखा है तो आपने कुछ उसमें और नाम फेमिलियर होंगे. अब तक आपने ऑगस्ट कॉम सुना होगा, आपने कार्ल मार्क्स सुना होगा, मैक्स वेबर सुना होगा, एंड आप डर्खाइम भी सुन रहे हैं. ठीक है, तो ये सारे जो थिंकर्स हैं हम इनको क्या कहते हैं, वी से दैट वी कॉल देम एज क्लासिकल थिंकर्स. ओके, अब क्लासिकल हम क्यों बोलते हैं, लाइक व्हाई आर दे क्लासिकल थिंकर्स, यू नो, ये जो उन्होंने अपना काम किया. फॉर एग्जाम्पल, हमने डर्खाइम की आज बात करनी है, तो अगर आप डर्खाइम का काम देखें, उनका जन्म और उनकी मृत्यु देखें, तो 1858 से लेकर 1917 तक जो था वो इनका काम है. ठीक है, लेकिन आज हम 2021 में भी उनको डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि जो बातें उन्होंने इतने साल पहले कही आज की डेट में भी वो हमारे लिए रेलेवेंट हैं, और हम जो उन्होंने जिस तरीके से, जिस नजरिए से उन्होंने उस वक्त सोसाइटी को देखा, जाना, समझा, पढ़ा, आज की डेट, आज के जमाने में, आज के दौर में उनका वो सब जो उन्होंने किया और जिस मेथड से उन्होंने वो सब किया, आज के दौर में वो चीजें हमें प्रेजेंट सोसाइटी को समझने में दिशा देती हैं, वो डायरेक्शन देती हैं हमें. इसीलिए हम उनको क्लासिकल थिंकर्स कह सकते हैं. ठीक है, वो आज के डेट में भी ओल्ड नहीं है, वो कभी भी ओल्ड नहीं होंगे. ओके, और ये वो थिंकर्स हैं इस पेपर के अंदर जो आप पढ़ रहे हैं, जिन्होंने सोशियोलॉजी की फाउंडेशन लेखी है ना. दीज आर द थिंकर्स हु ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी. ओके, अब यानी उन्होंने उस वक्त, उस टाइम क्या था, 19th सेंचुरी में यूरोप जो था, यूरोपियन कंट्रीज में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, यू नो, देयर वर सडन चेंजेस, क्विक चेंजेस. और ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हम किसे कहते हैं, जो एक एग्जिस्टिंग चीज है, जो एग्जिस्ट कर रही है, जब उसको कोई चीज टोटल ट्रांसफॉर्म कर देती है, उसकी जगह नया बदलाव आ जाता है. ठीक है, तो आप लोगों ने, आई एम श्योर, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, आपने पढ़ा होगा कि सोशियोलॉजी क्या है और सोशियोलॉजी जो है वो किन कंडीशंस में इवॉल्व हुई. ठीक है, तो उस टाइम क्या था, उस टाइम जो क्या दौर चल रहा था, उस टाइम लोग बिलीव करते थे कि भाई सोसाइटी जो है वो तो भगवान ने क्रिएट की है ना. सोसाइटी इज ऑर्डेन्ड बाय गॉड, एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड, देयर इज नथिंग अबव गॉड. लेकिन लोगों ने क्या किया, वहां पर एक वेव आई जिसको हम आज के दौर में समझते हैं एनलाइटनमेंट. ओके, और लोगों ने इसको कैसे समझने की कोशिश की कि एनलाइटनमेंट में जो उनको लगता था कि सोसाइटी इज ऑर्डेन्ड बाय गॉड, सोसाइटी भगवान की क्रिएशन है, तो उसमें से एक सबसे बड़ी चेंज आ गई. उन्होंने कहा नो, सोसाइटी जो है ये इट इज मैन मेड, और अगर इसे इंसान ने क्रिएट किया है तो उसे किस दिशा में ले जाना है ये भी इंसान के ऊपर डिपेंड करता है. तो सबसे बड़ी ये चेंज आए कि लोगों ने इस चीज को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया. वहां पर जो सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम जिसको हम कहते हैं डार्क एजेस, स्लेवरी, लोगों के पास राइट्स नहीं थे, डिक्टेटरशिप थी, स्लेवरी था, राइट, वो सारा जो सिस्टम था वो डिसमेंटल हो गया. ओके, और उसमें क्या हो रहा था कि उसमें टोटल ट्रांसफॉर्मेशन आ गई. अब उसकी जगह पे एक नया दौर शुरू हुआ, लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था, लोगों ने बात करना शुरू कर दिया कि भाई, लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया आर्ट में, लिटरेचर में, ट्रैवल में, नई जगह पे डिस्कवरीज होना शुरू हो गई, जो स्लेवरी सिस्टम था वो सब खत्म हो गया, तो एक नई युग का इमर्ज हुआ जिसे हम कहते हैं रेनेसां. ओके, तो अब उसमें क्या था कि यू नो, एक नए आइडियाज आना शुरू हो गए, इक्वालिटी फॉर एग्जांपल, डेमोक्रेसी फॉर एग्जांपल. ओके, तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको जो वापस जिस पॉइंट पे ला रही हूँ वो ये है कि 19th सेंचुरी में यूरोप जो था इट वॉज अंडरगोइंग मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, मैसिव. अब कुछ उसके बहुत अच्छे फायदे थे,
पॉजिटिव दिशा में हम लोग चल रहे थे, लेकिन उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी था. ओके, अब वो नेगेटिव इम्पैक्ट इतना ज्यादा था, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बहुत सारी उसमें पॉजिटिव चीजें आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, लेकिन उसके बहुत सारे नेगेटिव भी थे. पुराना सिस्टम जो था प्रोडक्शन का वो खत्म हो गया, नया सिस्टम आ गया, लोग गांव से शहरों की तरफ जाने लगे, शहर में अर्बनाइजेशन शुरू हो गया, प्रोसेस शुरू हो गया, डेवलपमेंट शुरू हो गई. लेकिन उसके साथ साथ इतनी प्रॉब्लम्स आ गई, ओवर पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वहां पर लोगों का जो पुराना सिस्टम था वो डिसमेंटल होके शहर में क्या हो गया कि माइग्रेशन ज्यादा होना शुरू हो गई, वहां पर स्लम्स इमर्ज होना शुरू हो गए, वहां पर क्राइम रेट बढ़ना शुरू हो गया. ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि कुछ पॉजिटिव चीजें थी, कुछ नेगेटिव चीजें थी. लेकिन जो हमारे उस टाइम के जो थिंकर्स थे, ठीक है, उन्होंने किसकी तरफ उनका ध्यान जा रहा था, दे वर मोर कंसर्न्ड अबाउट यू नो द नेगेटिव चेंजेस जो सोसाइटी में यू नो विच वर अकरिंग इन द सोसाइटी, क्योंकि क्विक ट्रांसफॉर्मेशन थी. जब कोई बदलाव धीरे धीरे आता है तो हम लोगों की कैपेसिटी होती है कि हम लोग उसको बदलाव को धीरे धीरे अडेप्ट कर लेते हैं. ठीक है, लेकिन जब चेंजेस बड़ी क्विकली आती है तो हम अडेप्ट नहीं कर पाते, सडन चेंजेस हो जाती है. देखिए, आज हम लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर है, अब कोई हमारे ऊपर अचानक ऐसा आ जाए कि आप बाहर नहीं निकल सकते, आप वोट नहीं कर सकते, जो कहा जाएगा, एक इंसान की कोई से नहीं होगी, तो हम बेटा उस सिस्टम के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो वहां पर भी ये था, सडन चेंजेस आ गई. तो पॉजिटिव तो ठीक था, लेकिन नेगेटिव चेंजेस जो थी उससे हमारे जो थिंकर्स थे वो परेशान थे. नेगेटिव चेंजेस उनका ध्यान जो था वो खींच रही थी. तो ये जो थिंकर्स थे, कार्ल मार्क्स, वेबर, डर्खाइम, इन्होंने उस टाइम पे उन परिस्थितियां जो थी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उनकी तरफ उन्होंने ध्यान देना शुरू किया और उन्होंने एक नए एक डिसिप्लिन के बारे में सोचा, जिसको उन्होंने बोला कि दिस डिसिप्लिन सोशियोलॉजी, जिसको उन्होंने बोला कि भाई ये जो है दिस डिसिप्लिन विल बी कंप्लीटली डेडिकेटेड टू रिजॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम. हमारी वो जो प्रॉब्लम्स हो रही थी वो क्या थी, ह्यूमन प्रॉब्लम्स हो रही थी. क्राइम क्या है, इट्स अ ह्यूमन प्रॉब्लम, है ना. ओवर पॉपुलेशन, किसी के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, किसी के पास कुछ नहीं. आज के डेट में पॉवर्टी आप देखिए, लुक एट द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड द पुअर, है ना. लुक एट द रिजर्वेशंस फॉर एग्जाम्पल, क्यों ऐसा सिस्टम हुआ, कास्ट सिस्टम को आप देखिए फॉर एग्जाम्पल, हमारे रिलीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखिए फॉर एग्जाम्पल. तो ये सारी जो चीजें हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे को उनका सोल्यूशंस चाहिए. ठीक है, सो दिस इज वॉट हमारे जो क्लासिकल थिंकर्स थे, यही उनका पर्पज था. तो हम उनको क्लासिकल इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि वो आज की डेट में, एक तो उन्होंने दे ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी, और आज के डेट में भी वो उतने ही रेलेवेंट है हमारे लिए जितने वो उस जमाने में थे. ठीक है, नाउ कमिंग टू सो यू अंडरस्टूड लाइक, सो देर आर टू एस्पेक्ट, यू नो मैंने फोकस किस पे किया है, सबसे पहले क्लासिकल वर्ड पे. ओके, क्योंकि हम क्लासिकल थ्योरी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. डर्खाइम इज अ क्लासिकल थ्योरिस्ट. ऑलराइट, ओके, नाउ सेकंड एस्पेक्ट इज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, रिलीजन के बारे में. सो ये जो थिंकर्स थे इन्होंने कुछ चीजें जो थी, एक इन्होंने जो हम हायर लेवल पे, एक बड़े ब्रॉड लेवल पे जो हम चीजें देखते हैं हम उसको क्या कहते हैं, मैक्रो. अगर हमने स्ट्रक्चर की बात की, जैसे स्ट्रक्चर कहते हैं, अगर सोसाइटी एज अ होल हम लोग ले लेंगे, पूरी सोसाइटी की बात करेंगे, ठीक है, जैसे हमने अब एक इंडिया को एक सोसाइटी समझ लेते हैं, हम इंडिया की बात करें, हम वर्ल्ड को एक सोसाइटी समझ लेते हैं, हम उसकी बात करें, तो ये क्या होगा, मैक्रो. ठीक है, लेकिन एक कुछ होते हैं माइक्रो. सो अगर हम पूरी ह्यूमन बॉडी को ले लेंगे और उसकी बात करेंगे तो उसको हम मैक्रो बोल सकते हैं. अगर हम सिर्फ एक सेल की बात करेंगे कि एक सेल से हमारी बॉडी की शुरुआत होती है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो. ठीक है, अब आप अपनी यूनिवर्सिटी का कैंपस की बिल्डिंग देखिए. ठीक है, अगर हम पूरी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, पूरे कमरे, हॉल्स, पेंट्री सब कुछ मिला लेंगे, तो वो क्या बन जाता है, मैक्रो. लेकिन अगर हम उसकी नींव पे जाएंगे, नींव पे कहां से शुरुआत हुई है, एक ईंट पे, एक ब्रिक पे जाएंगे,
तो वो क्या होता है वहां पे, उसको हम माइक्रो, ठीक है। तो हम सोशियोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं तो हम सोसाइटी की बात करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। आप तो आप पूरे से लेकर आप मैक्रो से ब्रेक डाउन करके माइक्रो पे आ सकते हैं और माइक्रो से आप मैक्रो पे जा सकते हैं। आप ह्यूमन बॉडी जो है उसको ब्रेक करके जैसे सेल पे आ सकते हैं, और जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे वो थोड़ा ज्यादा समझ पाएंगे कि जो सेल है, सेल्स लाइक सेल्स मल्टीप्लाई टू फॉर्म टिश्यूज, टिश्यूज मल्टीप्लाई टू फॉर्म ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मल्टीप्लाई टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन सिस्टम्स ये जो है पूरा इट्स वन ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन सिस्टम इज ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो सेम तरीके से बेटा हम लोग अपनी सोसाइटी को भी देखते हैं, ओके। अब ये जो हमारे क्लासिकल थिंकर्स थे उन्होंने मैक्रो स्ट्रक्चर्स को भी देखा, ऐसी भी बातें की जो वो पूरे समाज के बारे में इकट्ठी बात कर रहे थे, और कुछ चीजें उनकी ऐसी भी थी जिसको वो माइक्रो लेवल पे भी देख रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने दोनों चीजों को, दोनों नजरिए, माइक्रो मैक्रो क्या है, एक पर्सपेक्टिव है, एक तरीका है समझने का सोशल रियलिटी, हम क्या पढ़ रहे हैं, सोशल रियलिटी देखते हैं अपने आसपास, ठीक है। तो उसको समझने का एक जो तरीका है वो एक माइक्रो और मैक्रो पर्सपेक्टिव है, जिसके बारे में आप जानते होंगे या जरूर पढ़ेंगे अपने एमए में, ठीक है। अब इन्होंने जब रिलीजन की बात की, ठीक है, तो डरखाइन की क्या अंडरस्टैंडिंग थी, देखिए कार्ल मार्क्स ने भी रिलीजन की बात की है, मैक्स वेबर ने भी रिलीजन की बात की है, लेकिन मैक्स वेबर ने कैसे देखा फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने उसको एक मैक्रो लेवल पे चीजें देखी, ठीक है। उन्होंने हिंदुइज्म पढ़ा, उन्होंने इस्लाम पढ़ा फॉर एग्जाम्पल, और उन्होंने क्रिश्चियनिटी पढ़ा, फिर उन्होंने जो अपनी थ्योरी बिल्ड की उन सब का कंपैरिजन करके उन्होंने उसमें से निकाला, ठीक है, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, आप इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये उनकी एक थ्योरी है, तो ये मैक्स वेबर की थ्योरी है। लेकिन मैं मैक्स वेबर का क्यों ला रही हूँ बीच में कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि मैक्स वेबर और फॉर एग्जाम्पल कार्ल मार्क्स ने भी और डर्खाइम ने भी रिलीजन की बात की है, लेकिन हर एक ने इसी चीज को एक अलग नजरिए से देखा है, ठीक है। अब वेबर जो कार्ल मार्क्स सॉरी डर्खाइम जो है फॉर एग्जाम्पल, तो डर्खाइम क्या कर रहे हैं, उन्होंने मैक्रो लेवल पे चीजें नहीं देखी, उन्होंने माइक्रो लेवल पे देखने की कोशिश की है, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज को थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाई रिलीजन क्या है, हम सब रिलीजन फॉलो करते हैं, ठीक है, कोई ना कोई धर्म फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसी धर्म को फॉलो नहीं करते, लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत कम है, मैक्सिमम लोग जो है वो किसी ना किसी धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हम सोशियोलॉजी में क्या कहते हैं कि व्हाट इज रिलीजन, हम सोशियोलॉजी में कहते हैं रिलीजन इज वन ऑफ द कल्चरल यूनिवर्सल्स, कल्चरल यूनिवर्सल्स, ठीक है। कल्चर क्या है हमारा, कल्चर जो है हम उसको कैसे बोलेंगे, इट इज सम टोटल ऑफ वैल्यूज बिलीव्स आइडियाज थिंकिंग, है ना, हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, हमारी सोच कैसी है, हमारी टेक्नोलॉजी कैसी है, उन सब को मिला के क्या बनता है, हमारा कल्चर बन जाता है, ठीक है। हमारी सोच क्या है, हम मॉडर्न हैं, लिबरल हैं, कंजर्वेटिव हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, क्योंकि हर चीज हमारी उन आइडिया से इन्फ्लुएंस होगी, ठीक है। और दूसरा हम क्या पहनते हैं, क्या हमारा पहनावा है, हमारे आसपास टेक्नोलॉजी है, जैसे आज हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ये भी एक कल्चर का पार्ट है, आज की डेट में ये हमारे कल्चर का पार्ट बन गया हुआ है। आप सोच नहीं सकते कि कोई भी जो इस टाइम जो हमारी सोसाइटी है हम इसको इस टेक्नोलॉजी के बगैर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक जमाना था ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है। तो मेलिनोस्की एक थिंकर है फॉर एग्जाम्पल, तो मेलिनोस्की क्या कहते हैं, वो कहते हैं उन्होंने एक नीड की थ्योरी दी है, अगेन आप उसके बारे में पढ़ेंगे अभी तक, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो वो कहते हैं कि कल्चर जो है वो कहाँ से इवॉल्व होता है, वो नीड से इवॉल्व होता है, हमारी तो वो बहुत सारी नीड्स की बात करते हैं, है ना। अब हमें भूख लगती है तो हम अपना खाना कैसे अरेंज करते हैं, वो क्या बन जाएगा, हमारा कल्चरल यूनिवर्सल बन जाएगा, फूड इज अ कल्चरल यूनिवर्सल, ठीक है। अब जैसे जो फॉर एग्जाम्पल आप केरला की सोसाइटी, जहां पर बीचेस होते हैं, जहां पर फिशेज बड़ी होती है, तो वहां के लोग क्या खाते हैं, ज्यादा फिशेज खाते हैं, तो उनका वो क्या बन जाता है, क्योंकि भूख तो उनकी नीड है, हंगर जो है वो
वो हमारी बॉडी की नीड है, हंगरी तो हमें उसको सेटिस्फाई करना है. तो मेलिनॉस से क्या कहते हैं कि हमारी जो नीड है उसको हम कैसे सेटिस्फाई करते हैं, दैट गिव्स राइज टू कल्चर. तो हमें अगर हमारी बॉडी की नीड, वी आर हंगरी, आवर बॉडी नीड्स फूड, हम उस फूड को कैसे अरेंज करते हैं, क्या हम शिकार खेल के जंगल में जाके मार के शिकार लाकर अपना पेट भरते हैं, वो हमारा कल्चर हो जाएगा. अगर हम मछली पकड़ के पेट भरते हैं, वो हमारा कल्चर हो जाएगा. अगर हम खेत में उगाते हैं अपना फूड, वो हमारा कल्चर बन जाएगा. बट इट सो सिमिलरली एक और कल्चरल एग्जाम्पल है आपको, है कल्चरल यूनिवर्सल की एग्जाम्पल है. जैसे आप कह सकते हैं कि कपड़ा फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन देना, अगर वो हमारी नीड है ना नीड, एकदम ठंड में रहेंगे तो हम मर जाएंगे, तो फिर हम उसका क्या करते हैं जी, वी नीड हाउसिंग. अब हमारे घर किस तरह के हैं, लद्दाख में डिफरेंट तरह के घर हैं, कश्मीर में अलग हैं, जम्मू में अलग हैं, आप केरला में जाइए वहां अलग है, ठीक है, गोवा में जाइए वहां अलग है. तो वो किस पे डिपेंड करता है कि हमारी नीड, वहां की ज्योग्राफी पे भी डिपेंड करता है ना, कि वहां पर वहां पर आपकी क्लाइमेट कैसा है उस पर डिपेंड करता है. ओके, अब सिमिलरली हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, जहां बहुत ठंड होगी वहां अलग तरह के कपड़े होंगे. गोवा में आप लोग बहुत लूज कपड़े पहनते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, और आप समुद्र के किनारे होते हैं. ऑलराइट, तो कहने का मतलब है मेलिनॉस के हिसाब से कि हमारी नीड्स हैं, उन नीड्स को हम जैसे फुलफिल करते हैं वो हमारा कल्चर बन जाता है. तो बहुत सारे लोगों ने कल्चर को भी अच्छे से डिफाइन किया है. तो हमारा कहने का मतलब वापस आ गए इस बात पे कि कल्चरल यूनिवर्सल्स क्या है. तो कल्चरल यूनिवर्सल वो फंडामेंटल चीजें हैं जो ऑलमोस्ट हर कल्चर में होंगी, आपके कल्चर में, जम्मू के कल्चर में, कश्मीर के कल्चर में, साउथ में आप किस स्टेट में चले जाएंगे उनके कल्चर में, लेकिन वो होंगे अलग अलग, जैसे फूड, ओके, जैसे ड्रेस पैटर्न, जैसे हाउसिंग, ओके, जैसे रिलीजन. सो सिमिलरली रिलीजन भी क्या है, अब हम उस बात पे आ गए, रिलीजन इज वन ऑफ द कल्चरल यूनिवर्सल्स. रिलीजन ऑलमोस्ट हर कोई फॉलो करते हैं, लेकिन अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं. ओके, सो ये आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है. अब दूसरी बात ये आती है कि रिलीजन इवॉल्व कैसे हुआ, यू नो, कैसे उसकी शुरुआत हुई, ओके, या कब उसकी शुरुआत हुई. तो उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं जिसको मैं धीरे से टच अपॉन करूंगी, धीरे से उसको थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगी, तभी हम लोग दरखाइम को समझ पाएंगे. ओके, तो अगर हम पुरानी, एक आपको ना बहुत सारी, जब हम सबसे पहली चीज आती है कि एवोल्यूशनरी थ्योरीज थोड़ा सा इसके ऊपर लाइट शेड करती हैं कि भाई कैसे शुरुआत हुई, कैसे हम लोग इसमें डिफाइंड रिलीजन्स में आ गए, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, क्या शुरू से ऐसा था. तो सबसे पहले अगर हम पुरानी एक्सकवेशंस देखें, जो पुरानी चीजें जो निकलती हैं आर्कियोलॉजी से या जहां जहां पर भी हमने डिगिंग की, तो हमारे को कुछ पुरानी चीजें मिली, जैसे डेड बॉडीज मिली जिनके साथ लोगों ने आर्टिफैक्ट्स रखे थे, ठीक है, जैसे कुछ बर्तन मेटल के रखे होंगे, कुछ ज्वेलरी रखी होगी. तो उससे हमें ये आइडिया मिलता है कि बहुत साल पहले, हजारों वर्ष पहले, लोगों का कुछ बिलीफ था इन लाइफ आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद भी जो लोग हैं वो कुछ लाइफ लीड करते हैं, ठीक है. तो इसलिए जब वो लोग मरते थे तो लोग वो क्या करते थे, उनके डेथ रिचुअल के टाइम उनके साथ वो चीजें रखते थे. और ये चीज आज भी प्रैक्टिस होती है बहुत सारी जगहों पे, मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आज की डेट में भी ये चीज प्रैक्टिस होती है, ठीक है, हम करते हैं. जो लोग मर चुके हैं हम उनकी याद में कुछ चीजें करते हैं और हमें लगता है कि ये चीजें उनको रिसीव हो रही है, ठीक है, क्योंकि वी बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है. तो जब हम अगर हम पुरानी चीजें, हजारों वर्ष पुरानी चीजें देखते हैं, तो हमें ये आइडिया मिलता है कि सबसे पहले बिलीफ सिस्टम ये था कि लोगों को कुछ विश्वास था कि देयर इज सम काइंड ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है. सो ये ओल्डेस्ट, सबसे पुराने थॉट्स हैं. ओके, नाउ सबसे पहले लेट मी जस्ट गिव यू एन आइडिया, एवोल्यूशनरी थ्योरी, एवोल्यूशन अगर आज हम, व्हाट इज एवोल्यूशन, कहां से शुरुआत हुई और कैसे कैसे उसमें चेंजेस आई. आज आप देखें, जैसे मैंने आपको टेक्नोलॉजी की एग्जांपल दी, आज अगर टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं तो उसको क्या है, इट्स लाइक कहीं से शुरुआत हुई और आज हम इस मॉडर्न सोसाइटी में पहुंच गए, है ना.
सो सिमिलरली रिलीजन जो हम आज की डेट में फॉलो करते हैं ये इस ऐसे नहीं था, कहीं ना कहीं से इसकी शुरुआत हुई. तो जो एवोल्यूशनरी थियोरीज हैं वो क्या करते हैं, इसके ऊपर लाइट शेड करती है कि हम इवॉल्व कैसे हुए, ओके कहां से रिलीजन की शुरुआत हुई, कैसे कैसे उसमें बदलाव आए वगैरह वगैरह. ऑलराइट, सो अगर आप एवोल्यूशन वर्ड पे फोकस करेंगे तो उससे आपको आइडिया मिलेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं. ओके, कहां से शुरुआत हुई, कैसे उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई. ओके, नाउ सबसे पहले एवोल्यूशनरी थियोरीज में क्या था, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे बेबी इसके बारे में कि नेचर मिथ थियोरी. ओके, इंसान के सामने सबसे पहले क्या है, हमारे सामने आप देखिए आजकल हम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं फ्लैश फ्लड्स है ना, बहुत सारे स्टेट्स पे अचानक आपको पहले आपको लगेगा हम नहीं ऐसी चीजें सुनते थे, अचानक फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं. तो उस टाइम पे भी इंसान के पास क्या था, नेचर की कुछ क्लैमिटीज थी, त्रासदी जिसे हम हिंदी में कहते हैं, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई या कहीं सूखा पड़ गया, ठीक है, फिर कभी दिन हो जाता था कभी रात हो जाती थी, ये स्टार्स थे जो ऊपर हमारे को स्टार्स दिखते हैं. हाँ, तो तब से पहले इंसान को ये सब कुछ, ये सारी चीजें क्या थे इंसान के लिए, मिस्ट्री, दिस वॉज लाइक अ मिस्ट्री. वो जब आसमान में चमकते हुए स्टार्स देखते थे ना पुराने लोग, तो उनको लगता था कि ये क्या चीज है. सो इट यूज टू गिव अ फीलिंग ऑफ ऑस्टक होता है ना, आपको देख के लगता है कि ये क्या है, आप उसको समझना चाहते हैं लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसी आपको फील. अभी भी आप खड़े होंगे ना आसमान के नीचे रात को तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा आसमान कहाँ खत्म हो रहा है ना. तो एवोल्यूशनरी थियोरीज में सबसे पहले थी नेचर मिथ. नेचर क्या है, आपके साथ जितने नेचर के एलिमेंट्स हैं, स्टार्स फॉर एग्जांपल, सेलेस्टियल बॉडीज फॉर एग्जांपल, ये पार्ट ऑफ नेचर है, ठीक है. आपके जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर फॉर एग्जांपल, रेन्स फॉर एग्जांपल, ओके ये सारे आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं. तो नेचर जो थी, लोगों को नेचर समझ में नहीं आती थी. ओके, सो आउट ऑफ फियर, डर के मारे, ओके फ्लड्स आ गए, बिल्कुल कुछ नहीं है, पानी नहीं है फॉर एग्जांपल, बिल्कुल नहीं है, दिन हो गया, रात होगी, स्टार्स हो गए, उनको कुछ समझ नहीं आता था. तो आउट ऑफ फियर, यू नो, या उसको फियर कह लो या उसको प्लीज करने की कोशिश, मैन ने क्या करने की कोशिश की, उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश की नेचर के साथ कि अच्छा. तो उन्होंने नेचर को पूजना शुरू कर दिया. ओके, क्योंकि वो नेचर को समझ नहीं पा रहे थे, वो उनके पास आज की दौर में हमारे पास यू नो वी हैव अ डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो हमें बताता है कि जी इतने बजे बारिश होगी, इतने बजे खत्म हो जाएगी, लेकिन उनके पास साइंस नहीं थी ये सब बताने के लिए कि फ्लड्स क्यों आ रहे हैं या फेमिन्स क्यों है या ये स्टार्स क्या है और हमारे से कितनी दूरी पे है, अर्थ क्या है, सन मून गॉड, ये सब नहीं उनको समझ में आता था. सो दे स्टार्टेड वर्शिपिंग दीज फोर्सेस ऑफ नेचर, ठीक है. और आज की डेट में भी आप बहुत सारे कल्चर्स में देखेंगे, जैसे जम्मू आपसे बहुत क्लोज है तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, सूर्य नमस्कार है ना, आप सुनते हैं ना, आप सूरज की पूजा करते हैं, चांद की पूजा करते हैं, पानी की, वाटर बॉडीज, लोग आजकल पानी में कई कई जगहों पर ऐसा रिचुअल होता है कि जब वो पानी के ऊपर जाते हैं बोट्स में कुछ, वो सबसे पहले पानी के अंदर ना कॉइन्स डालते हैं, ऐसा बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर एक फियर है नेचर को लेके. तो सबसे पहले नेचर मिथ थियोरी आई, जो एक जर्मन स्कॉलर थे मैक्स म्यूलर, उन्होंने उसके ऊपर ये उन्होंने थियोरी दी. ऑलराइट, उसके बाद हमारी थियोरी आई फॉर एग्जाम्पल घोस्ट थियोरी. घोस्ट, ओके, अब घोस्ट आप समझते हैं, तो सबसे पहले घोस्ट की थियोरी की जो हम बात कर रहे हैं, वो कौन से घोस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो दे आर टॉकिंग अबाउट घोस्ट ऑफ द एंसेस्टर्स, ठीक है, जो हमारे पुराने लोग जो 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 मर जाते थे फॉर एग्जाम्पल. तो अगेन वहां पर जो जो उस टाइम पे क्या सिनेरियो था कि वहां पर जो लोग थे उनको ये डेथ और बर्थ समझ में नहीं आता था, ये क्या है, लेकिन ना उनको दिन और रात समझ में आता था. तो दिन और रात क्या हो गए, दो चीजें हो गई, ड्यूअलिटी, दिन में कुछ और नजारा है, रात में कुछ और है. सिमिलरली जब आप मॉर्निंग में एक इंसान एक्टिविटी कर रहा है ना, वो हरकत में आ जाता है तो एक अलग चीज है, रात के टाइम जब वो सो जाता है तो एक अलग चीज है. तो अगेन दिन रात, ओके,
और उस तरह उससे इंसान की दिनचर्या भी चेंज हो रही है. ओके फिर वो इंसान सपने भी देख रहा है. ओके कई बार वो इंसान सपने में क्या देख रहा है, वो अपने इंसेस्टर्स को देख रहा है जो उसके लिए क्या है, वो सो गए, दे आर डेड, राइट. तो उनको क्या लगता था कि व्हाट इज डेथ, उनको लगता था कि डेथ जो है इज अ लॉन्ग स्लीप, क्योंकि स्लीप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वी बिकम लाइफलेस. ठीक है, तो उनको लगता था कि वो मर गए हैं, तो उनको पहले बर्थ डेथ समझ में नहीं आता था. फिर उन्होंने थोड़ा सा कोशिश की कि मे बी डेथ उनके लिए क्या थी, इट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लीप. तो उन्होंने क्या सोचा, जब वो इंसेस्टर्स को, अपने डेड इंसेस्टर्स को वो क्या करते थे, सपने में चलते हुए अगर उनको नजर में आ रहे हैं, तो उनको क्या लगता था कि भाई मरने के बाद भी, लॉन्ग स्लीप के बाद भी कुछ लाइफ वो लीड कर रहे हैं, तभी तो वो हमें सपने में दिखाई दे रहे हैं. वो सामने फिजिकली हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन सपने में तो वो हमें चलते हुए नजर में आ रहा है. अब वो ड्रीम नहीं समझ पा रहे हैं ना, वो उस ड्रीम को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें क्यों दिख रहा है. तो उससे उनका एक आइडिया डेवलप हुआ कि मे बी जो आपके इंसेस्टर्स हैं वो क्या है बेसिकली. उससे एक आइडिया डेवलप हुआ कि भाई मरने के बाद भी वो पावरफुल हो जाते हैं, कि वो हैं, कहीं एग्जिस्ट करते हैं. तो आपने उनको क्या करना शुरू किया, आपने उनको वर्शिप करना शुरू कर दिया. ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल उसमें आप, तो आपका क्या 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 चीज आ गई, आपकी एंसेस्टर वर्शिप. तो एंसेस्टर किसका मतलब, घोस्ट. तो घोस्ट थियोरी फॉर एग्जाम्पल जो है वो सब आपके सामने आ गई. सो एवोल्यूशनरी थियोरीज के अंदर आप घोस्ट थियोरी की, सबसे पहले आपने नेचर मेड थियोरी है, देन उसमें आपकी घोस्ट थियोरी है. ठीक है, अब घोस्ट थियोरी किसने दी है, हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है, एंड इट ही गेव दिस इन 1882. और उनकी जो किताब थी जिसमें उन्होंने इसके बारे में पूरा ब्यौरा दिया है, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी. ठीक है, तो आप इसके बारे में जरूर पढ़िए. तो उनका कंक्लूजन क्या था, उन्होंने क्या बोला, उनका थीसिस क्या डेवलप हो गया उनकी थियोरी में से निकल के आया. उन्होंने कहा एंसेस्टर वर्शिप इज द रूट ऑफ एवरी रिलीजन. और एंसेस्टर वर्शिप हम क्या कह रहे हैं, द घोस्ट बेसिकली. सो इट्स द घोस्ट थियोरी. ऑलराइट, अब सिमिलर लाइंस पे एक और थियोरी डेवलप हुई जिसको हम बोलते हैं सोल थियोरी. सोल इज, उसको हम सोल थियोरी बोलते हैं या उसको हम एनिमिज्म भी बोलते हैं. एनिमा, एनिमा से A-N-I-M-A, एनिमा. सो एनिमा क्या है, बेसिकली सोल. ओके, सो जो स्पेंसर का आइडिया था बेसिकली कि घोस्ट, यू नो द घोस्ट ऑफ द एंसेस्टर इज द बिगिनिंग ऑफ रिलीजन. तो सोल थियोरी ने क्या कहा, आइडियाज इन द सोल. ठीक है, और किसकी सोल फॉर एग्जाम्पल. तो उनको लगता था कि जितने भी हमारे आसपास चीजें हैं उन सब की सोल है. ठीक है, ह्यूमन बॉडी. तो उनको क्या लगता था कि जैसे एक स्टोन है, आपके आसपास जो पत्ते हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सब की भी एक सोल है. तो सोल को उन्होंने क्या माना कि सुपर नेचुरल. ये उन्होंने उसको थोड़ा सा अपने से इंसान के अंदर, कि वो सोल जब निकल जाती है तो उसका क्या होता है, वो खत्म हो जाती है, नहीं तो उन्होंने उसका आइडिया प्रोजेक्ट कर दिया चीजों के ऊपर, आसपास जो चीजें हैं. तो उससे क्या शुरुआत हुई दैट, तो उन्होंने क्या कहा कि सोल वर्शिप इज द बिगिनिंग ऑफ द रिलीजन. सो एक ने कहा होस्ट वर्शिप और एक ने कहा सोल वर्शिप. ठीक है, तो अब सोल वर्शिप में क्या है, फॉर एग्जाम्पल सोल वर्शिप की जो थियोरी है ये किसने दी है, एडवर्ड टेलर ने दी है. और उन्होंने ये थियोरी दी in his book Primitive Culture in 1871. ये आपको facts जो हैं वो आपको basic books में आपको मिल जाएंगे. alright, उसके बाद एक theory आई James Frazer की theory. उन्होंने religion को magic के साथ जोड़ दिया, magic. okay, और उनकी जो book है वो है Golden Bough. इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे. competitive exams, ये जो मैं books के नाम ले रही हूँ ये आपके competitive exams जब आप देते हैं, कई बार इन किताबों के आपसे साल पूछे जाते हैं, कई बार इन किताबों का नाम पूछा जाता है. सो दीज आर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए. कल को आपने नेट एग्जाम भी देना है या कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम. सो दीज आर इम्पोर्टेंट फैक्ट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड जब आप ये किताबें, जब आप इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे. ऑलराइट, अच्छा उन्होंने क्या कहा कि मैजिक, फ्रेजर ने क्या कहा कि मैजिक के ऊपर हमारी डिपेंडेंस होती है पहले, और फिर इंसान रिलीजन की तरफ मुड़ता है. ठीक है, नाउ कम्स एक और, हमारे पास बहुत डिटेल में थियोरीज हैं, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी थियोरीज आती हैं जिसको हम कहते हैं
you know, psychological theories या psychosocial theories, okay? और उसमें भी हमारे पास बहुत सारे thinkers हैं जिन्होंने अलग अलग तरह से डिटेल में उनके बारे में बात की है. अब कई लोग जैसे उसमें कहते हैं that आज की डेट में हमारे पास साइंस है टू एक्सप्लेन थिंग्स, है ना. कोई इंसान को आज कोई बीमारी हो जाती है तो साइंस बताती है उसको कि भाई अगर आप आपको बहुत कम कमकाहट हो रही है, आप बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, तो साइंस आपको बताएगी कि भाई आपको ये डिजीज है, इसका ट्रीटमेंट लीजिए, डॉक्टर आपको बता पाएगा. लेकिन एक वक्त था जब लोगों के पास साइंस नहीं थी ट्रैक करने के लिए, तो लोग आउट ऑफ फियर किसकी तरफ जाते थे, मैजिक की तरफ जाते थे, है ना. तो कई आपकी साइकोलॉजिकल थियोरीज वो ये कहती हैं कि जहां पर फियर होता है, डर ज्यादा होता है, वहां पर लोग ज्यादा रिलीजियस होते हैं. और एक दो थिंकर्स ने तो ऐसा भी कहा है कि आप वेमेन को देखिए, उनको ऐसा लगता है, मतलब वी मे प्रूव देम ऑल रॉन्ग, ठीक है. जैसे मैंने आपको बोला, एक थियोरी को हम क्रिटिसाइज करेंगे तो दूसरी थियोरी उसके सामने आएगी, ठीक है. तो कई लोगों ने कहा कि आप वेमेन को देखिए, दे आर मोर फियरफुल, ठीक है, इमोशनली ज्यादा वीक होती हैं, फियरफुल होती हैं, और इसीलिए वो लोग ज्यादा रिलीजियस होती हैं. अब ये सेपरेट क्वेश्चन है कि हम इसको माने ना माने, हम इसको क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये चीज तो गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है. मगर थ्योरी में कई लोगों ने इसकी तरफ भी अटेंशन सीखी है कि इंसान के अंदर कुछ फियर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से इंसान ऐसी चीजें जैसे रिलीजन और मैजिक की तरफ अट्रैक्ट होता है. ऑलराइट, नाउ द क्वेश्चन इज कि जो मैंने अभी आपके साथ एवोल्यूशनरी थ्योरी का थोड़ा सा जो आपको डिस्क्रिप्शन दिया, जैसे मैंने आपको बोला कि सोल थ्योरी, है ना, या आपको मैंने नेचर मिथ बोला कि ओके, या फिर आपको घोस्ट थ्योरी बोला, तो मैंने आपको कुछ आइडिया दिया कि लोगों को समझ नहीं आता था दिन क्या है, रात क्या है, जीना क्या है, व्हाट इज बर्थ, व्हाट इज डेथ, ये समझ नहीं आता था, डे नाइट समझ नहीं आता था उनको, स्लीप और सुबह आप एक्टिव है ये समझ में नहीं आता था उनको, जो आसपास नेचर में हो रहा है ये समझ में नहीं आता था, तो फिर शायद ऐसा हुआ होगा, फिर शायद ऐसा हुआ होगा, है ना. तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू मेक अ स्टोरी. जो जो हमारे पास चीजें समझ में आती हैं, एविडेंसेस हमें कुछ कुछ दिखते हैं, हम उसको क्या करते हैं, जैसे एक पजल होता है ना, जिग्सॉ पजल, हम पीसेस, अलग अलग पीसेस होते हैं, उसको जोड़ते हैं, और फिर जोड़ने के बाद हम उसकी एक पिक्चर तैयार करते हैं. तो क्योंकि हमारे पास हर चीज रिटन फॉर्म में नहीं थी और हर चीज हमारे पास कॉन्क्रीट नहीं थी, रिलीजन क्या है बेसिकली, इट्स नॉट अ कॉन्क्रीट चीज, रिलीजन तो हम इट्स अ वे ऑफ लाइफ बेसिकली, है ना. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी शुरुआत को, एवोल्यूशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा कि प्रिमिटिव मैन को समझ नहीं आया और उसने डर के मारे इन सब की पूजा शुरू कर दी, नेचर की पूजा शुरू कर दी, तभी तो हमारे पास इतनी सारी नेचर की फोर्सेस हैं जिसको हम आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं, वी वर्शिप, ओके. या फिर तो हम लोग, मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ बेटा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ थ्योरी, है ना. आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट अ पिक्चर कि शायद दिन नहीं समझ में आया, रात तो प्रिमिटिव मैन ने ऐसा सोच लिया होगा. अब आज की डेट में लेकिन अगर हम देखें तो हमें लगता है कि प्रिमिटिव मैन जो था वो भी रैशनल होगा, वो सोच सकता होगा, तभी तो उसने इतनी सारी चीजें जोड़ के कुछ इवॉल्व किया उसमें से. तो आज की डेट में हम ये नहीं कह सकते कि प्रिमिटिव मैन वो लाइक उनकी रैशनैलिटी जीरो थी, हम उनको बोलेंगे दे वर इंटेलेक्चुअल्स, यू नो, इन देयर ओन टाइम्स, कि उनके पास साइंस नहीं थी फिर भी उन्होंने इन सब चीजों को समझने की कोशिश की और अपनी समझ के हिसाब से उन्होंने अपनी नेचर फोर्सेस उनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश की, ठीक है. तो यहां पर हमारा कहां किसका रोल आता है, यहां पर मैं डर्काइम को फिट करूंगी, ओके. अब डर्काइम ने क्या किया, डर्काइम ने एवोल्यूशनरी थ्योरी को सारा क्रिटिसाइज किया, he was not comfortable. वो कह रहे हैं कि भाई ये क्या आप बताने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रिज्यूम कर रहे हैं ना कि शायद ऐसा हुआ होगा,
हम तो जिग्सॉ पजल्स को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारे को रिलीजन जो है आज की दौर में भी, इतने साल पुरानी चीज की शुरुआत हुई लेकिन आज के दौर में भी रिलीजन एग्जिस्ट करता है, हम सब रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो वो कहते हैं कि इतनी पावरफुल चीज जो आज की डेट में भी एग्जिस्ट करती है, जब तक इसका कोई फंक्शन नहीं होगा, इसकी रेलेवेंस नहीं होगी, इसका कोई हमारी जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होगा, तब तक ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। तो वो कह रहे हैं कि हम ये क्या कहने की कोशिश, सो ही वॉज वेरी अनकंफर्टेबल जो एवोल्यूशनरी थियोरिस्ट ने आर्ग्यूमेंट्स सामने रखी, जो कंजेक्चरल थी, जो शायद ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा, ही सेज ऐसा नहीं हो सकता, शायद नहीं हो सकता है। हमारे को रिलीजन को समझने के लिए, क्योंकि ये इतनी पावरफुल फिनोमेना है जो इतने सालों से एग्जिस्ट करती आई है और आज की डेट में भी एग्जिस्ट कर रही है और हमारी लाइफ का इतना इंटेग्रल पार्ट है, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे आप हमारे जितने भी हमारा पूरा दिनचर्या है सुबह से लेकर रात तक, या साल में पूरा दौर देखिए, हम कितना टाइम अपने रिलीजन के साथ स्पेंड करते हैं, रिचुअल्स के साथ, कुछ ना कुछ हमारा रिलीजियस चलता है। तो ही सेज इतनी पावरफुल चीज और उसको हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल। उन्होंने एवोल्यूशनरी थियरीज को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। जैसे मैंने आपको बोला, एक थियरी को रिजेक्ट करेंगे कुछ उसमें से नया निकलेगा, लेकिन डर्खाइम समझने के लिए एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट है। आप सीधे डर्खाइम पे आएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, है ना? तो इसीलिए थियोरीज इंपॉर्टेंट है, जो 100 साल पहले चीज कही की गई है या हजारों वर्ष, वो भी आज की डेट में जब हमें समझना है सोसाइटी को, तो पुरानी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, तो ही हम आज की चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो कमिंग बैक टू डर्खाइम, उन्होंने इस चीज को, इन एवोल्यूशनरी थियोरीज को रिजेक्ट किया, और वो लोग, उन्होंने क्या दिया, फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। उन्होंने कहा रिलीजन जो है वो एक इंटेग्रल पार्ट प्ले करता है, उसका एक रोल है हमारी सोसाइटी में, तभी रिलीजन इज अ लिविंग एंटिटी। अगर रोल नहीं होता तो रिलीजन वक्त के साथ खत्म हो चुका होता। ठीक है, तो जैसे ऑगस्ट कॉम ने बोला था कि जब साइंस आएगा, यू नो, he gave 3 stages, theological, metaphysical and positive scientific stage. So he said religion scientific stage में आके खत्म हो जाएगा, जब science होगा तो religion नहीं होगा। लेकिन आज के date में आप देखिए religion भी है और science भी है। एक doctor जो है वो science वो जो है वो आपको scientific तरीके से treatment कर रहा है, लेकिन he still continue to believe in God. So you can be a doctor, a scientist, an engineer, but still you can be a believer in God. तो दोनों चीजें exist कर रही हैं, चीजें खत्म नहीं हुई हैं, ठीक है? हाँ, उनका एक form बदल जाता है, जैसे ancestors हमारे उस चीज को follow करते थे, हम उससे direct, हम उससे different हो सकते हैं थोड़े से, लेकिन outrightly religion जो है आज के date में खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? अब जैसे मैंने आपको बोला, डर्खाइम ने microbe पे भी focus किया है, तो उन्होंने बोला कि मैक्स वेबर की तरह वो बड़ी बड़ी रिलीजन्स को पढ़ने नहीं गए सबसे पहले, कि हिंदुइज्म पढ़ा, इस्लाम पढ़ा, क्रिश्चियनिटी पढ़ा, जुडाइज्म, बुद्धिज्म, और फिर उनका कंपैरिजन की और एक थियोरी दी। वो भी ठीक है, उनकी बात भी ठीक है, वो उसको रिजेक्ट नहीं कर रहा कोई, लेकिन उन्होंने बोला, मैं, उनका फोकस क्या था, वो कहते हैं कि अगर आपको साइकिल चलाना आता है, ठीक है, तो आप जो बाइक है उसको ऑटोमेटिकली बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप माइक्रो लेवल पे सेल्स आपकी बॉडी के कैसे काम करते हैं, सेल्स मल्टीप्लाई टू फॉर्म टिश्यू, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप बॉडी हमारी कैसे फंक्शन करती है ये भी समझ जाएंगे। ठीक है, एक हस्बैंड वाइफ का या मदर फादर का क्या रिलेशनशिप होता है, जब वो समझ में आ जाएगा तो सोसाइटी में रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। तो उनका कहने का मतलब था बेसिक रूट फंडामेंटल चीज पे आप जाइए, उसको समझिए, फंडामेंटल, यू नो, शुरुआत कहां से हुई, अगर वो समझ में आ जाता है तो बड़ा जो स्ट्रक्चर है उसको आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। और उन्होंने इसी चीज को रिलीजन में भी अप्लाई किया कि आपको अगर माइक्रो समझ में आ गया, मैक्रो जैसे वेबर का था, आपको वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। और उन्होंने इसके लिए, उनकी जो बुक है दी फंडामेंटल, क्या है, व्हाट यू कॉल, उनकी जो बुक है, फॉर एग्जाम्पल,
the elementary forms of religious method, elementary forms of religious life. Elementary, what is elementary? Basic, root. ठीक है, इसे उनके उनके उनका जो वर्क है इट इज एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ. अब ही वाज अ फ्रेंच थियोरिस्ट, तो पहले फ्रेंच में लिखी गई और उसके बाद उसका इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया गया. ओके, अब वो उसमें क्या कह रहे हैं, उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन ट्राइब था अरुंता, ARUNTA अरुंता. ओके, उन्होंने अरुंता ट्राइब की उन्होंने अरुंता ट्राइब को समझने की कोशिश की कि उनके रिलीजियस बिलीफ्स कैसे हैं, और उन्होंने उनको सिर्फ समझने की कोशिश की कि उनका उन्होंने क्या बोला कि अरुंता ट्राइब का जो रिलीजन था, जो वो कह रहे हैं फंडामेंटल, उन्होंने जो वर्ड यूज किया रूट पे, ठीक है, तो उन्होंने कहा जो लोअर लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, ट्राइबल, जो आज की डेट में भी जो कम्युनिटीज लोकल लेवल पे फॉलो करते हैं, ओके, वो अगर आपको समझ में आएगा तो हाई लेवल के रिलीजन आपको समझ में आ जाएंगे. तो उन्होंने अरुंता ट्राइब को एक टेस्ट केस लिया. तो टॉटमिज्म, अरुंता का उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने बोला कि अरुंता ट्राइब जो था बेसिकली वो क्या फॉलो करते थे, टॉटमिज्म. तो टॉटम क्या है बेसिकली, आज की हम लोग क्या करते हैं, अपनी इंसेस्ट्री ट्रेस करते हैं ना, कि योर फादर, देन ग्रैंड फादर, देन हिज फादर, देन ग्रैंड फादर, तो ऐसे करके हम लोग डिसेंट ट्रेस करते हैं. ओके, लेकिन टॉटमिज्म के अंडर जो लोग जुड़े होते हैं ना, सपोज मेरा टॉटम, आपका, हम सब एक, हमारा टॉटम क्या है, इज अ सिंबल. ओके, अब वो सिंबल क्या हो सकता है, दैट सिंबल कैन बी एक हमारी स्कल, आप बड़े जगहों पे देखोगे कई, इट्स अ सिंबल, इट कैन बी सिंबल ऑफ अ क्रो, इट कैन बी अ स्कल, इट कैन बी अ पेंटिंग. तो मैं आपको अरुंता का दिखाती हूँ, इफ यू आर एबल टू सी, कैन यू सी दिस, ये सिंबल आप देख पा रहे हैं बेटा? यस, है ना, ये अरुंता, ये इट्स अ सिंबल बेसिकली, इट्स अ ड्रॉइंग. अब ये स्कल्पचर भी हो सकता है, ऐसी चीज जो है पत्थर पे भी हो सकती है, पेंटिंग भी हो सकती है, वॉल पे भी हो सकता है, मंदिर के अंदर भी हो सकता है. लेकिन जो लोग टॉटम से जुड़े होते हैं, तो उसको, है ना, तो टॉटमिज्म के जो लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, उनका कॉमन क्या है, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर बाय ब्लड टाइज, कि भाई वो फैमिली से डिसेंट है, मेरे फादर, उनके फादर, उनके फादर. तो हमारी क्या होती है, बिरादरी, एक पूरी कम्युनिटी, कास्ट होती है कि हर कोई एक दूसरे से ब्लड टाइज से रिलेटेड है, बट वो नहीं है. ये टॉटम इज, टॉटम जिनका कॉमन होता है, दीज आर दी पीपल हु आर रिलेटेड टू बाय द सिंबल, वो जो कॉमन उनका टॉटम है, डिसेंट नहीं, उसे ब्लड से कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, इसे, ये जो टॉटम है, ये आप एक जगह पे रखते हैं, एक पर्टिकुलर, क्योंकि ये आपके लिए एक आप जगह पे रखते हैं, क्योंकि ये क्यों, इसमें अथॉरिटी है, अथॉरिटी. वो अथॉरिटी क्यों है, क्योंकि ये हम सबका सिंबल है. तो अगर हम सबको कोई चीज रिप्रेजेंट करती है, आपने देखा जो कंट्री का फ्लैग होता है ना, तो वो कंट्री का फ्लैग क्या है, सिंबल, एम्ब्लम है. ओके, तो उसके अंदर एक झंडा जो है वो हम सबको जोड़ता है, उसके साथ हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको डिसरिस्पेक्ट शो नहीं करते, है ना, कभी हम लोग ये नहीं देख सकते कि वो पैर के नीचे आए, तो वो क्या हो जाते हैं, हम उसको कहाँ रखना चाहते हैं, एक अलग जगह पे, क्योंकि उसके लिए हमारे अंदर उसके लिए क्या है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है, वो हमारा ऑनर है, और हम सब उसके लिए, उससे जुड़े हुए हैं ना, वो हमें बाइंड कर रहे हैं ना, वो एक सिंबल. हम सब लोग भूल जाते हैं कि हमारा क्या रिलीजन है, क्या है, वी बिकम लाइक व्हाट, सिटीजंस ऑफ अ कंट्री, इट्स इंडियन फ्लैग. ओके, सिमिलरली आप किसी भी धर्म, किसी भी आप ब्लड टाइज से हैं, किसी भी आपका एंसेस्ट्रल टाइज है, डिसेंट है, कुछ भी, लेकिन क्योंकि आपका सिंबल एक है, तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट होता है. तो अब आप क्या करते हैं, उसको आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अलग रखना चाहिए, तो वो आपको क्या, आप उसे मंदिर में रख सकते हैं, किसी पहाड़ी पे रख सकते हैं. ठीक है, तो अब आप उसके लिए रूल्स भी फिक्स करते हो कि हर कोई नहीं जा सकता. जैसे आप बोलोगे कि बहुत रात में नहीं जाना, मंदिर रात को बंद हो जाते हैं, है ना, एग्जाम्पल. मॉनेस्ट्रीज, आई एम श्योर वहां पर भी एक कुछ टाइमिंग होता होगा. ओके, अर्ली मॉर्निंग नहीं जाना, या फिर हमारे रिचुअल्स होते हैं कि नहा के जाएंगे, है ना, तो ये सारी चीजें होती हैं. ऑनर होता है, अब जैसे 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 फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लैग है, तो फ्लैग का ऑनर किसी किसी को मिलता है, लेकिन आप उसके बिफोर यू बर्न द बॉडी ऑफ अ पर्सन हुज गॉट दैट ऑनर, कि भाई उसको, उसके ऊपर वो इंडियन फ्लैग है, तो उसको आप फोल्ड कर लेते हैं, है ना. सो
तो उन्होंने क्या कहा कि अरुणता ट्राइब का टोटम का केस दरखाइम ने क्यों लिया, बिकॉज ही सेज इसके लिए मुझे बोरो नहीं करने पड़ रहे फीचर्स, जैसे हम कर रहे हैं ना कि शायद ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा हुआ होगा. सो ही सेज यू डोंट हैव टू यू नो मेक अ कंजेक्चुरल हिस्ट्री. आप जब ये जो टोटम है उसको कैसे ट्रीट करते हैं उसी में से रिलीजन इवॉल्व हो रहा है. ठीक है, ये आपका सिंबल है, आपने उस सिंबल को अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि वो आपको सिंबलाइज कर रहा है, सबको इकट्ठा लेकर आ रहा है, जोड़ रहा है, तो आप उसको ज्यादा इज्जत देते हैं और उसको अपने से अलग रखते हैं. तो वो अलग उन्होंने उसके लिए क्या वर्ड यूज किया, सेक्रेड. वो आपके लिए पूजनीय है, तो जब पूजनीय है तो वो आपके लिए क्या हो गया, सेक्रेड. और जो उस सेक्रेड के बराबर कोई चीज नहीं आ सकती, और जो उसके बराबर नहीं आ सकती वो क्या है, प्रोफेन है. वो कॉमन प्लेस है ना. मंदिर में कई जगह पर आप लेदर नहीं लेके जा सकते क्योंकि मंदिर आपके लिए सेक्रेड है. और शूज फॉर एग्जाम्पल, लेदर फॉर एग्जाम्पल, वो क्या है, प्रोफेन. तो उन्होंने उसमें से दो एस्पेक्ट्स आए, सेक्रेड एंड प्रोफेन. अब सेक्रेड प्रोफेन हम लोग ऐसे नहीं कंस्ट्रक्ट कर रहे कि शायद ऐसा शायद, नो. टॉटम को आप कैसे ट्रीट कर रहे हो, दैट इटसेल्फ इज गिविंग राइज टू द आइडिया ऑफ सेक्रेड एंड प्रोफेन, कि वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए आपने उसको हायर पेडेस्टल पे रखा. और जो हायर पेडेस्टल पे नहीं है वो सब कॉमन है. तो उन्होंने दो एस्पेक्ट्स दिए, सेक्रेड एंड प्रोफेन. ठीक है, अब आप सेक्रेड की तरफ कैसे जाएंगे, ओके, सेक्रेड को अप्रोच कैसे करेंगे, क्या आप कभी भी उठ के चले जाएंगे या आप इकट्ठे मिलके, सब लोग इकट्ठे मिलके जाएंगे. तो वो क्या हुआ, उन्होंने कहा देयर इज एन आइडिया ऑफ राइट्स, ओके, बिलीव्स एंड रिचुअल्स. ओके, तो आपका क्या है बेसिकली, बिलीव क्या है, आप उसको मानते हैं दैट इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन. वो आपका टोटम क्या दे रहा है, वो बिलीव क्या है, इट इज प्रोवाइडिंग यू अ प्रोटेक्शन फॉर एग्जाम्पल. ओके, और रिचुअल्स क्या है, जो आप बिलीव, वो चीजें हैं, समथिंग दैट यू बिलीव इन, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ. ओके, वो आपका बिलीव सिस्टम है. तो रिचुअल क्या है, रिचुअल्स वो है जो डेड बॉडी के टाइम आप करते हो, कि डेड बॉडी को क्रिबेट करने के टाइम करते हो, उसको बरी करने के टाइम करते हो, आप अपने फॉर एग्जाम्पल आप उनकी, जैसे जैसे हर हर रिलीजन के डिफरेंट रूल्स हैं कि आप अपने डेड जो हैं उनके डेड आप कैसे देते हो, उनको आप कैसे याद करते हो. जैसे आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म में यू हैव अ फीचर कॉल्ड श्राद्ध, आप श्राद्ध करते हो, अमावस्या पे श्राद्ध करते हो, हर साल श्राद्ध आते हैं, तो आप अपने एंसेस्टर्स की याद में कुछ करते हो. तो उसमें से आपके जो आपका जो टॉटम है उसको अप्रोच कैसे करना है, और क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी है. ठीक है, तो वो आपका क्या बन गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिचुअल्स. जो आपको करना है, ठीक है, वो पॉजिटिव है कि आप नहा के जाइए, आप पूजा करिए, आप लाइट जो है वो आप लैंप लाइट करिए फॉर एग्जाम्पल. तो दीज आर ऑल पॉजिटिव थिंग्स जो आपने करनी है और जो आपने नहीं करनी है. ओके, तो जैसे आपने, जब मंदिर बंद हो गया तो आप नहीं जा पाएंगे, तो जहां पर आपका टोटम रखा है, आपने टोटम की वो आपके लिए जगह इस पूजनीय, हम उसको टेम्पल और मोनेस्ट्री में आपको बोल रही हूँ, लेकिन उनके लिए वो जगह थी अर्थनत लुंगा. ओके, तो मैं ये आई शेयर दिस मटीरियल, अगर नॉफिल के पास नहीं है आप ये चीजें पढ़ेंगे, और जो मैंने आपको आपके साथ शेयर किया, जब आप इसको जोड़ेंगे इस लेक्चर को, तो आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि मैं क्या कह रही हूँ. तो उनका कहने का मतलब था, उन्होंने अरुणता ट्राइब का एक केस लिया और उन्होंने बोला कि इसको रिलीजन कैसे शुरुआत हुई है, बस आप टोटम को समझ लीजिए कि टोटम उनका एक सिंबल है, वो टोटम को कैसे अप्रोच करते हैं, वो हमारे राइट्स और रिचुअल्स बन जाते हैं, और आइडिया ऑफ सेक्रेड एंड प्रोफेन. तो उनका मतलब था कि आइडिया ऑफ सेक्रेड एंड प्रोफेन, राइट्स एंड रिचुअल्स इज बेसिकली द बिगिनिंग ऑफ अ रिलीजन. और वो कह रहे हैं कि ये फंडामेंटल इसलिए है, ठीक है, क्योंकि हमारे को कहीं से इसके फीचर्स नहीं बोरो करने हैं, सिर्फ हम अपने टॉटम को कैसे अप्रोच करते हैं, दैट इटसेल्फ इज गिविंग एन आइडिया ऑफ हाउ द रिलीजन हैज इवॉल्व्ड. ओके, एंड देन ही टॉक्ड अबाउट
आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. मैं इसको जल्दी से वाइंड अप करती हूँ कि उन्होंने बोला कि इसके जो फंक्शंस हैं रिलीजन के, उन्होंने दो फंक्शंस मेन बोले कि वन, रिलीजन जो है हमारे को जोड़ता है. सो इट हैज अ सोशल फंक्शन. जब हम एग्जांपल है, जब आप अपने टोटम को प्रेयर करने के लिए सब लोग इकट्ठे होते हैं, सो कई जगह पर यू नो यू हैव डांस ड्रामा इकट्ठे रिचुअल्स करते हैं, तो वो हमारे में क्या लाता है? सॉलिडारिटी. हमें वो चीजें जोड़ती हैं. आज की डेट में भी अगर आपके रिलीजियस जैसे फॉर एग्जांपल दिवाली पे छुट्टी है, एक एग्जांपल है. सिमिलरली आपके कुछ ऐसे रिचुअल्स होंगे जिस दिन आप सब कम्युनिटी पूरी इकट्ठी होती है. सो ही सेज रिलीजन जो है इसलिए आज की डेट में एग्जिस्ट करता है क्योंकि रिलीजन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन अ लाइफ एंड इट हैज अ सोशल फंक्शन ऑफ सॉलिडारिटी कोहिजन. ये हमारे को बाइंड करता है, हमें यूनाइट करता है, आपस में बांध के रखता है. ठीक है. और दूसरा फंक्शन उन्होंने दिया कॉग्निटिव फंक्शन. मेंटल लेवल पे मेंटली उन्होंने बोला रिलीजन जैसे है, आई मिस दैट पॉइंट. रिलीजन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कहा रिलीजन हमारे एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस को आंसर करता है. यू नो अल्टीमेट क्वेश्चंस. मैं इस घर में क्यों पैदा हुई? मैं अपने रिलेटिव के घर में हूँ, वेरी रिच, मैं वहां पैदा क्यों नहीं हुई? है ना. व्हाई इज इट दैट माय बॉडी आई एम डिसेबल्ड? यू नो मेरी बॉडी के पूरे अंग क्यों नहीं है? बाकी सबके तो हैं. ठीक है. तो क्वेश्चंस लाइक बर्थ डेथ, यू नो बीइंग बोर्न इन अ पर्टिकुलर फैमिली, बोर्न इन अ पर्टिकुलर रिलीजन. जो जम्मू सिटी में लोग होंगे उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, जो फार फ्लंग हिली एरियाज में होंगे नहीं है उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज. तो उनको लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों है? दीज आर ऑल अल्टीमेट क्वेश्चंस. तो रिलीजन आपको इनके आंसर्स देता है. ठीक है. अब वो आंसर सही है कि गलत है वो एक सेपरेट क्वेश्चन है. ठीक है. राइट एंड रॉन्ग वो एक सेपरेट क्वेश्चन है. तो आज हम ब्यूटी, हम लोग कहते हैं जी ओ गोरे लोगों की दैट इज व्हाट ब्यूटी इज. तो काले लोग बोलेंगे कि भाई मैं फिर काला क्यों हूं? ठीक है. तो वी हैव दिस क्वेश्चन जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइफ लॉन्ग वी कीप सर्चिंग फॉर द आंसर बट वी नेवर गेट द राइट आंसर. लेकिन रिलीजन हमारे को कुछ ना कुछ आंसर देता है, पिछले जन्म में ऐसा हुआ होगा. सो एवरी रिलीजन हैज अ डिफरेंट स्टोरी. तो कमिंग बैक, डर्काइम ने कहा दैट इट हैज कॉग्निटिव फंक्शन. ये हमारे मेंटल यू नो हमारे अल्टीमेट क्वेश्चन को आंसर करता है, हमारे को स्ट्रेंथ देता है. वेन वी फील लो, आप मंदिर जाते हैं, आप प्रेयर करते हैं, तो आपको सडनली लगता है कि प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड. तो क्या प्रॉब्लम वाकई में खत्म हो गई? नो. एट, वेन यू गो टू अ टेम्पल और द डे यू प्रे, यू फील कि आपके पास यू हैव मोर पावर टू फेस द सिचुएशंस ऑफ लाइफ देन समबडी एल्स. तो आपको वो क्या आता है? पॉजिटिविटी आती है प्रेयर से. आप मंदिर से, आप क्या मॉनेस्ट्री में जाते हैं, मॉस्क में जाते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. ठीक है. आप एग्जाम के आप बिना मेहनत के पास कर लेंगे, लेकिन आप प्रेयर करके आते हैं तो उससे आपको क्या आता है? आपको लगता है आई कैन हैंडल दिस, मैं एग्जाम में अच्छा करूंगा. तो आप वहां से क्या लेकर आए? पॉजिटिविटी. तो उन्होंने कहा देयर टू इंपॉर्टेंट फंक्शन, कॉग्निटिव, ये जो मैंने अभी आपको बोला मेंटल एबिलिटी आपकी एनहांस करता है, जो पूजा पाठ प्रेयर्स करता है उस इंसान को लगता है आई एम बेटर इक्विप्ड फॉर लाइफ देन मेरे जो बाकी लोग हैं. और दूसरा, रिलीजन जो है ये हमारे को बाइंड करता है. सो दिस इज व्हाट. सो कमिंग बैक, दर्काइम ने क्या थ्योरी दी है? फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन. ओके, फंक्शनल एस्पेक्ट. इज अ फंक्शनलिस्ट थ्योरिस्ट, इसलिए उन्होंने उसके फंक्शंस की बात की है. वेबर जो है उन्होंने एक डिफरेंट लेवल पे सेम चीज रिलीजन को एक डिफरेंट एंगल से देखा है. कार्ल मार्क्स ने उनको अलग एंगल से देखा है. सो आई एम श्योर जब आप इसको दोबारा अपनी क्लास में पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू लिंक सम ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव जस्ट ब्रीफली मेंशन टू यू. ठीक है. सो विद दिस आई थिंक आई विल क्लोज बिकॉज बहुत लंबा जा रहा है. एंड आई वुड वेलकम एनीथिंग फ्रॉम योर साइड. ओके, एंड आई होप आई वॉज क्लियर, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता चल रहा है कि मैं कितनी ऑडिबल हूँ या थी या नहीं थी. हाँ, first class. Yeah. It was very clear. Very clear. What is clear. Was it? Oh, yeah, okay, yeah. Okay. Great. Yeah. Yeah. Now I open the floor for any questions from the students. कोई सवाल है आपसे? हाँ,
yeah, please. सवाल नहीं भी है तो भी आप मुझे बोलिए, हम हाय हेलो करेंगे और अपनी दोस्ती बढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि हम लोग ज्यादा बातचीत कर पाए, है ना? So it's a day to build our friendship, है ना? Yeah. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Yeah. Ma'am, my question is, how to origin the practice and belief in primitive society? किस तरह से मतलब ये origin इस practice का, इस belief का? Primitive society में कैसे इसका origin हुआ? Yes, ma'am. हाँ तो बेटा वो ओरिजिन ऐसे हुआ ना, क्योंकि ये जो मैंने आपको बोला टोटम का केस है ना, तो टोटम क्योंकि वो आपको सिंबलाइज कर रहा, आपका आइडेंटिटी का सिंबल हो गया ना टोटम, ठीक है, तो वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मान लिया, क्योंकि वो आप जितने भी लोग हैं उस टोटम से जुड़े हुए, उन सब वो सब लोग अपने आप को उससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक आम चीज नहीं है ना, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, उस इम्पोर्टेंट चीज को आपने जिस जगह रखा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई जगह, जैसे मंदिर में मूर्ति रखते हैं तो मंदिर इंपॉर्टेंट हो जाता है, मंदिर है क्या, मंदिर तो एक आम जगह है ना बेटा, लेकिन जब आपने मूर्ति रख दी तो वो मंदिर इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, फिर आपने बोला कि उस मंदिर में जाना कैसे है, फिर आप बोलोगे कि भाई नहा धोके जाइए, है ना, तो नहा धोके जाना क्या हो गया, रिचुअल हो गया, है ना, तो जब आप एक रिचुअल फॉलो कर रहे हैं या आप उस मंदिर को आपने जिस जगह रखा और आपके लिए वो जगह इंपॉर्टेंट हो गई, वो क्या बन गई, सेक्रेड, पूजनीय, होली, है ना, तो वो कह रहे हैं डरखान का मतलब था कि सेक्रेड का आइडिया और सेक्रेड को हमने अप्रोच कैसे करना है, उसके साथ हमारी एवरीडे कनेक्शन हम कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, है ना, जैसे पूजा सुबह शाम करते हैं, नहा धो के जाते हैं, तो उन्होंने कहा जब हम ये चीजें कर रहे हैं यही रिलीजन है. What is religion? It is sacred and profane, and it is rites and rituals. तो वो कह रहे हैं कि जैसे हम टोटम को हैंडल कर रहे हैं वही that itself is leading to the beginning of a religion. Okay. So I hope, yeah. So Nawfil will have to now discuss आपके साथ in depth पे ये चीजें. Okay, बेटा. Yeah. Thank you. Yeah, any other questions? Just other answer. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. My question is that only the natural things are in secret and all the known natural things are profane. No. This nothing like this is profane or that is profane. Aapka सेक्रेड और प्रोफेन क्या चीज बनाती है, मैं आपको बताती हूँ. आपका उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, थॉट जुड़ा हुआ है, ठीक है. आप देखिए एक मूर्ति जो है, जो एक जहां पर एक स्कल्पचर है, वो तो लाखों मूर्तियां बना रहा है. जब आप मार्केट में बुद्धा की स्टेचू लेने जाते हैं वो तो मार्केट में आम पड़ी हुई है, ठीक है. वो जो उसको बेच रहा है उसके लिए वो एक प्रोडक्ट है, उसने उसको बेचना है, मैन्युफैक्चरर ने उसको बनाया, बेचा, उसने प्रॉफिट अर्न करना है. लेकिन जब आपने उसको खरीदा, आपने उसको इनिशिएट किया और आपने उसको अपनी मॉनेस्ट्री में रखा, तो वो एक स्टैचू था आम, अब वो क्या बन गया, वो आपके लिए सेक्रेट बन गया. यू गॉट इट? तो यानी वो है क्या, क्या चीज है जो उसको सेक्रेट बना रही है, योर बिलीफ सिस्टम. ओके, वो अदरवाइज जो है मार्बल की स्टैचूज जो मंदिर में होती है वो क्या है, इट्स जस्ट अ पत्थर, है ना, इट्स जस्ट अ स्टोन. आप पिकनिक पे, जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है जम्मू में, बहुत बार ये होता है कि यू गो टू अ पिकनिक और आप वहां से ना खड में से वो पत्थर चुन के लाते हैं, पत्थर स्टोन्स, तो जो स्टोन थोड़ा सा राउंड होता है ना, बड़ा प्यारा सा राउंड, आप उसको लाते हैं अपने घर में, अपने गमले में रख देते हैं, पॉट में, फिर आप यू स्टार्ट वॉटरिंग इट ऑन एवरीडे बेसिस, बिकॉज अब आपके क्या बन जाते हैं, दैट यू से नाउ दिस इज लाइक अ यू नो शिवलिंग, इट्स अ फॉर्म ऑफ शिवा. तो वो है क्या, वो एक पत्थर है जो आपने रिवर से उठा के लाया है, लेकिन जब आपने उसको इस्टेब्लिश कर दिया, उसके साथ एक थॉट जोड़ लिया, ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाता है, दैट बिकम्स अ सीक्रेट थिंग फॉर यू, राइट. सो
सेक्रेट क्या है बेसिकली, जब आप एक पर्टिकुलर चीज के साथ आपका सोच जुड़ जाती है और आप उसको बाकियों से, बाकी आम चीजों से एक थोड़ा सा इज्जत के साथ हायर पेडेस्टल पे रखते हो। हायर पेडेस्टल का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको ऊंची जगह पे जैसे यहां रख दिया, वो नहीं, एक सोच के साथ कि भाई ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको बिना नहाए धोए नहीं जाऊंगा, या ये मैंने इंपॉर्टेंट चीज रखी है, मैंने सुबह शाम इसकी पूजा करनी है। तो आपका थॉट है जो एक चीज को सेक्रेट बना रहा है या प्रोफेन बना रहा है। ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू? दिस इज व्हाट। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्या मुझे किसी का है? One last question, member coming from us here. Please, please. Yeah. आपने कहा कि जो मतलब इमेल अंदर कैम होता है वो एक मैक्रो लेवल पे रिलीजन को स्टडी करते हैं और जो मिक्स वेबर है वो माइक्रो लेवल पे वो स्टडी करते हैं, ये डिफरेंस है। अब इन इसके अलावा और कोई डिफरेंस है मैम मिक्स वेबर और इमेल अंदर कैम के जो रिलीजन में कुछ डिफरेंस इसके अलावा? या देखिए बेटा मैं बताती हूँ, इनकी थ्योरी ही अलग अलग है। ओके, ये तो मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा ये बताने की कोशिश की कि कार्ल मार्क्स ने एक अलग थ्योरी दी है। ठीक है, उन्होंने कहा है रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। ओके, ये है नटशेल में एक एक थीसिस है, इतनी सी लाइन है, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। आप जब आप क्लास में पढ़े थे तो बहुत इसके ऊपर आप आराम से 2-3 लेक्चर्स डिस्कस कर सकते हैं आराम से एट लेंथ, और उसको आप आज की सिचुएशन के साथ भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली मैक्स वेबर ने उसको एक स्ट्रक्चर लेवल पे देखा, उन्होंने डिफरेंट रिलीजन्स को स्टडी किया और उन्होंने ये बोला कि कई जगह पर रिलीजन जो होता है वो जैसे कई जैसे कार्ल मार्क्स कह रहे हैं ना कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, उनका कहने का मतलब है कि रिलीजन जो है चेंज लाने से, जब आप इसको पढ़ेंगे ब्रेक करेंगे तो क्या उससे हम एनालाइज करते हैं, दैट रिलीजन स्टॉप्स द चेंज फ्रॉम अकरिंग। ठीक है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो अल्टीमेटली इस पॉइंट पे आएंगे, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, यानी एक नशा है जिसमें लोग अपनी रियलिटी जो है वो नहीं देख पाते हैं और उससे चेंज नहीं आता है, क्योंकि जब अपनी वो बोलेंगे ये तो भगवान ने ही हमारे को पुअर बना दिया, भगवान ने ही बना दिया, तो आप फिर भगवान ने बना दिया जब ये मान लेंगे तो मेहनत कैसे करेंगे कि अब इसमें से हमने निकलना भी है, तो आप रुक गए ना। ठीक है, लेकिन मैक्स वेबर कह रहे हैं कि ये ठीक है कि रिलीजन जो है कई बार रोकता है चेंज लाने से, लेकिन उन्होंने कहा कई जगह पर आप रिलीजन को इंटरप्रेट कैसे करते हो, किसी चीज को इंटरप्रेट करना मतलब उसको से समझना कि ये क्या कहना चाह रहा है, उसको इंटरप्रेट कैसे करते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप चेंज आएगा या नहीं आएगा। तो उन्होंने रिलीजन्स को कंपैरिजन किया, उन्होंने जो हमारे इस तरफ जो रिलीजन से यू नो हिंदुइज्म फॉर एग्जांपल, उन्होंने उसका कंपैरिजन किया क्रिश्चियनिटी के साथ। तो उन्होंने बोला कि रिलीजन को हम इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, कैसे उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो दिशा देगा कि चेंज हम ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। तो उन्होंने अब कार्ल मार्क्स ने एक चीज कही रिलीजन स्टॉप्स द चेंज फ्रॉम अकरिंग, मैक्स वेबर ने कहा ऑल राइट रिलीजन स्टॉप्स द चेंज फ्रॉम अकरिंग बट रिलीजन कैन ऑल्सो ब्रिंग मैसिव चेंजेस। उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हिंदुइज्म की और क्रिश्चियनिटी की, कंपेरिजन करके अपनी स्टडी में उन्होंने बोला कि जहां पर हमारी इंटरप्रिटेशन एक तरह की है वहां रिलीजन रुक जाएगा, एक चेंज रुक जाएगी एक तरफ के बाद, और जहां पर हमारी उसकी इंटरप्रिटेशन अलग तरह की होगी वहां पर मैसिव चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स की स्टडी करी और उसके बाद उन्होंने ये अपना वर्क जो था प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म उन्होंने वो दिया। और डर्खाइम ने आपको क्या दिया, फंक्शनल एस्पेक्ट कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो रिलीजन प्ले कर रहा है, अदरवाइज रिलीजन खत्म हो चुका होता, रिलीजन आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। और उन्होंने क्या किया, इसके हमें फंक्शंस बताए बाय स्टडिंग अरुंधति ट्राइब। ठीक है, दिस इज व्हाट। थैंक यू मैम।
Thank you, ma'am. Now, I will hand over to Dr. Norfell for the word of thanks. Thank you so much, Dr. Sabna, ma'am. It was very enriching session, and I'm given the opportunity to present the formal word of thanks. We'll start from the director herself of the campus for giving us this opportunity and providing us this beautiful conference hall with, and also the IT section of the campus and our faculty members of the department, headed by Dr. Jafar Khan sir, and all the students. On behalf of all the students, I'm sure it was a very enriching and very knowledgeable lecture. Though it was a very maiden, and we take this opportunity to share with you that because this is the first ever maiden online lecture session happened in the camp. So this is one more it's kind of milestone in our pocket. So thank you so much, ma'am. It was a very great session interacting with you, because students wanted to go beyond the Trans-Himalayan perspective. So they just wanted to get connected from outside the world, and this was a very well beginning, ma'am. Thank you for your precious time, ma'am. In a very short notice, you have just spare a very crucial time for us. Thank you so much, ma'am. Thank you, Norfell. Thank you very much. And I hope that you are able to get a feedback from students and give it to me and share with me, so when we interact in future, maybe I can take care of if I was able to really make sense to students and I was able to reach to them, the purpose is basically to establish the connect, kind of laying down the platform for them to open up, so that they feel comfortable and encouraged ki hame questions bhi puchne aur hame samajhna bhi hai, hai na? So you can share things with me later, maybe. Sure, and all that. So I think it's thank you for this this opportunity. It's been great talking. Thank you. And we do hope that your constant blessing would be with the students of the first batch of the campus, ma'am. Definitely. Yeah. You would visit Ladakh. We are hoping that you would pay a visit to the campus of Kargil. And waiting for the very the hot warm tea. Waiting for the opportunity. Thank you, ma'am. Thank you so much. All right. Thank you, everybody. Bye bye, students. God bless. Bye. Thank you. Yeah. Report पहुंचा है अपलोड अपलोड सीजन में अच्छा था.